तो हम देखते हैं कि ब्लैक और जिरिन के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट चल रही होती है, जिससे वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू, वेजिटा और टोपो को, जो कि उस बर्ड को ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी टोपो कहता है, हे जरा रुको गोकू, मुझे जिरिन की पावर अपने काफी ज्यादा क्लोज फील हो रही है। और गोकू कहता है, हाँ टोपो, शायद तुम सही कह रहे हो, मेरे को भी जिरिन की पावर अपने आसपास से ही कहीं महसूस हो रही है। और तभी वेजिटा कहता है, तो चलो कैकरोट, हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि जिरिन शायद हमारे बहुत ही पास है। और हम देखते ये बोलते वो तीनों जिरिन की तरफ निकल जाते हैं। और तभी वहां पर हम देखते हैं ब्लैक को, जो कि नोटिस कर लेता है कि गोकू उसकी तरफ आ रहा है। और वो कहता है, हे जरा रुको रे जिरिन, तुम्हारा फ्रेंड हमारे पास बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है, क्यों है ना गोकू? और तभी हम देखते कि वहां पर गोकू, वेजिटा और टोपो पहुंच जाते हैं। और गोकू कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे ब्लैक? और ये देखने के बाद वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्या ब्लैक तुम यहाँ पर? चलो अच्छा ही है कि तुम मुझे वापस मिल गए ब्लैक, तो इस बार तुम्हें मैं ही खत्म करने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते जिरिन को, जो ही कहता है, गोकू आखिरकार तुम भी यहीं पर थे, मुझे भी मालूम था, तो ये कौन है जो हूबहू तुम्हारे जैसा दिखता है? और गोकू बताता है कि ये ब्लैक है, जिसने मेरी बॉडी चुराई थी सुपर शेड्रोन की मदद से। और ये सुनने के बाद जिरिन कहता है, अच्छा तो तभी इसके पास तुम्हारी जैसी पावर है, और शायद इसके पास तुमसे अलग पावर है। और गोकू कहता है कि हमें जाने दो ब्लैक, हम तुम्हारे साथ यहाँ पर लड़ने नहीं आए, तो अच्छा ये होगा कि तुम हमारे बीच में ना हो। और ब्लैक कहता है, हे गोकू, तुम्हें क्या लगा था तुम इतने टाइम बाद मेरे से मिल रहे हो, तो क्या तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहोगे? और हम देखते कि ये बोलती ब्लैक अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बड़े आसानी से बच जाता है। और कहता है, ब्लैक हम तुमसे यहाँ पर फाइट करने नहीं आए, मैं तुम्हें ये आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर तुम अब हमारे रास्ते में फिर से है तो मैं तुम्हें वापस खत्म कर दूंगा। और इस सुनने के बाद ब्लैक काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, गोकू क्या तुम्हें लगा था सिर्फ मेरे पास इतनी ही पावर है? तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पर मैं उतने ही लंबे टाइम से तो हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस किया है, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। मेरे को नहीं लगा था कि मैं तुमसे वापस कभी मिल भी पाऊंगा, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो कि मुझे तुमसे वापस मिला दी है। तो चलो गोकू, हम उस खेल को वापस से शुरू करते हैं। और हम देखते कि ये बोलने के बाद ब्लैक काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, और ये देखने के बाद सभी के सभी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ब्लैक फाइनली जहाँ पहुंचता है अपनी एक न्यू फॉर्म में, जो कि होती है सुपर सेन 3 रोज फॉर्म। और ये देखने के बाद गोकू कहता है कि ये फॉर्म तुमने कैसे अचीव करी ब्लैक, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आए। एंड ब्लैक कहता है, क्या तुम अब इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो गोकू कि तुम मेरे से लड़ने के लिए भी डर रहे हो? और तभी हम देखते कि विजिटा आगे आता है और कहता है, क्या करो तुम चिंता मत करो, इसे मैं अभी यहीं पर जल्दी से खत्म कर दूंगा। और हम देखते कि विजिटा अपना पावर अप करके सुपर सेन ब्लू में चले जाता है और अटैक करने के लिए जाता है ब्लैक के ऊपर, लेकिन ब्लैक अपनी सुपर सेन 3 की फॉर्म में आसानी से बच जाता है विजिटा के उस अटैक से, और विजिटा के ऊपर एक अटैक करता है जिससे विजिटा कुछ दूर जाके गिरता है और कहता है, हे प्रिंस ऑफ ऑल सेन विजिटा, क्या तुम्हें अभी भी नहीं लगा कि मेरी पावर पहले से कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है? आखिरकार तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो? और हम देखते ये बोलने के बाद वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो ब्लैक के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगता है, और वो भी अपनी फुल पावर से, जिससे ब्लैक को काफी ज्यादा चोटें आती है और ब्लैक कुछ दूर जाके गिरता है। और ब्लैक कहता है, लगता है वेजिटा तुमने भी अपनी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, लेकिन तुम मेरे को अभी भी नहीं हरा पाओगे। और दूर से टोपू की आवाज आती है, हे वेजिटा क्या तुम्हें लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? हमें जल्दी से जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हम क्या करने वाले हैं। और वेजिटा कहता है, तुम मुझे मत बताओ टोपो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस ब्लैक को खत्म करे बगैर नहीं जाऊंगा, तुम लोग यहां से निकल जाओ, मैं ब्लैक को खत्म करके आता हूं। और इसमें टोपो कहता है कि जिरिन हमें यहां से चलना चाहिए क्योंकि इससे भी एक काफी इंपॉर्टेंट काम हमको करना चाहिए। और जिरिन कहता है, हे टोपो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है हमें इस बीच फाइट को यहीं पर छोड़ के जाना चाहिए? और टोपो कहता है कि जिरिन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। और हम देखते कि ये बोलते जिरिन और टोपो वहां से निकल जाते हैं। और ब्लैक कहता है, हे वेजिटा आखिरकार तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, उनको भी तो देखने को मिलना चाहिए था कि आखिरकार मेरे हाथों एक प्रिंस ऑफ ऑल सेन किस तरीके से मरता है। और ये बोलते ब्लैक अपना एक काफी बड़ा अटैक करके फेंकता है वेजिटा की तरफ, और वेजिटा उससे थोड़ा दूर जाके गिरता है, और वेजिटा की हालत इस टाइम पे थोड़ी खराब होने लगती है। और तभी गोकू बीच में आ जाता है और वेजिटा कहता है, हे कैकरोट तुम्हें मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आराम से खत्म कर सकता हूँ। और गोकू कहता है,
कि विजिटा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुमको पता है कि हमें उस बर्ड को ढूंढने के लिए जाना है, तो हमें इसे जल्दी से खत्म करना चाहिए। और ये सुनने के बाद ब्लैक कहता है, हे तुमने क्या कहा गोकू, बर्ड आखिरकार इस बर्ड का क्या मामला है, ये मैंने इसके मुंह से भी सुना था, तो मीरा इस बर्ड का क्या मामला है। और मीरा कहता है कि ब्लैक लगता है कि वो बर्ड यहाँ पर सही में आ चुका है, उस बर्ड के बारे में यहाँ पर ऐसी अफवाह है कि वो जिनो का बर्ड है, जिससे हम सभी इस यूनिवर्स से बाहर निकल के उस मल्टीवर्स के अंदर जा सकते हैं। और वेजिटा ये सुनने के बाद कहता है कि तुम बेवकूफ कैकरोट, तुमने सब कुछ इसको वापस बता दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और गोकू कहता है कि कुछ भी हो जाए वेजिटा, इसे जल्द से खत्म करके हमें उस बर्ड की तरफ जाना ही पड़ेगा। और वेजिटा कहता है ठीक है, तो मैं ब्लैक को देखता हूँ और तुम उस गंदी शक्ल वाले को देखो। और हम देखते ये बोलते गोकू और वेजिटा उन दोनों के ऊपर चार्ज कर देते हैं अपनी फुल पावर से। और हम देखते एक तरफ तो गोकू मीरा को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है और दूसरी तरफ वेजिटा और ब्लैक के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही होती है, जिससे वहां पर दूर दूर तक धमाके होने लगते हैं। और वेजिटा कहता है ब्लैक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते हम देखते हैं वेजिटा एक काफी बड़ा फाइनल फ्लैश अटैक करके फेंकता है ब्लैक की तरफ, जिससे ब्लैक काफी दूर जाके गिरता है और ब्लैक गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ मीरा को भी गोकू ने काफी ज्यादा पीटा होता है और गोकू कहता है कि वेजिटा तो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, उस बर्ड को ढूंढने के लिए जाना चाहिए हमें। और हम देखते ये बोलते गोकू और वेजिटा उन दोनों को वहीं पर छोड़ के उस बर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फू को जो कि कहता है हे हर्ट्स, लगता है कि हमें जल्द से जल्द उस बर्ड के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो भी उस बर्ड को ढूंढने के लिए जा रहा होगा, और अगर उसके हाथ में वो बर्ड लग गया तो हम कभी भी इस यूनिवर्स से बाहर नहीं निकल पाएंगे और फिर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और हम देखते वेजिटा और गोकू के जाने के बाद ब्लैक को वापस होश आ जाता है और वो कहता है हे मीरा, आखिरकार ये बर्ड का क्या मामला है, मुझे ढंग से बताओ। और मीरा कहता है तुम उस बर्ड की मदद से ब्लैक वापस से उस मल्टीवर्स के अंदर जा सकते हो, मुझे लगा था कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन इन मॉर्टल्स के आने के बाद मुझे लगता है कि सही में वो बर्ड यहाँ पर आ चुका है, तो हमें भी उस बर्ड की तलाश में जाना चाहिए। एंड ये बोलने के बाद मीरा और ब्लैक भी उस बर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ फू और हर्ट्स भी उस बर्ड को ढूंढने में तेजी से निकल चुके हैं। गोकू वेजिटा और जेरिन और यहाँ तक कि टोपो सारे के सारे उस बर्ड की तरफ जा चुके हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि इस बर्ड के काफ़ी ज़्यादा करीब है, उसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। गोकू को नहीं पता कि आखिरकार वो किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। जाने से पहले मेरे को कमेंट बताना यार आप सभी को ये मांगा कैसी लग रही है, क्योंकि इस मांगा के ऊपर मेरे को आप सभी का इतना अच्छा खासा सपोर्ट मेरे को नहीं दिख रहा है। तो अगर आप सभी चाहते हो कि इसके आगे के पार्ट में आप सभी के लिए जल्द से जल्द अपलोड करूँ, सो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर से क्या करो। एंड आप में से लगभग काफ़ी सारे बंदे यानी कि 10,000 से भी ज़्यादा बंदे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ यार मेरे को बहुत ही जल्दी अपने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो आप सभी एक सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। और हाँ, अगर आप सभी को ये पार्ट पसंद आ रहे हैं, ये मांगा पसंद आ रही है, तो ये मांगा मैंने खुद ने लिखी है। सो जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना ताकि मैं इसके आगे के पार्ट आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। जाने से पहले इंस्टाग्राम आप सभी को दिख ही चुका है, सो आप सभी मेरे को वहां पर भी फॉलो कर सकते हो अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो तो।